आपकी ब्रांच के यहाँ पे स्टूडेंट्स हैं, मैं चाहता हूँ इसके थ्रू मैसेज उन तक भी पहुंचे, अगर सब लोग से तो बात नहीं कर पा रहे हैं। तो एलपीयू का लेटरल एंट्री प्रोग्राम्स के लिए, एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए, जैसे इलेक्ट्रिकल की अगर बात करें तो हमारे फॉर्म्स ओपन हो गए हैं मार्केट में, और इनका जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन है, ये एंट्रेंस एग्जामिनेशन आपका जो कंडक्ट होगा, ये आपका 10 अप्रैल से 25 अप्रैल के बीच में इसके पेपर कंडक्ट होंगे। मोड ऑफ एग्जामिनेशन जो होता है वो ऑनलाइन होता है, आप जो एग्जामिनेशन देंगे वो ऑनलाइन मोड में देंगे। किस डेट में देना चाहते हैं, किस समय में देना चाहते हैं, वो भी आप फॉर्म भरते हैं, खुद ही चूज करते हैं। सेंटर आपका क्या बोलते हैं कि आगरा, अलीगढ़ और इस तरह में से भी सेंटर्स भी आप खुद ही चूज कर सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन योर शेड्यूल, उसके हिसाब से। अब इस एंट्रेंस एग्जामिनेशन का फायदा क्या है जो मैं आपको बताऊं, जो आपको पता होना चाहिए एलपीयू का। जनरली एलपीयू का जो लिटिल एंट्री प्रोग्राम में जो एडमिशन का प्रोसीजर है वो ये कहता है कि दो चीजें बहुत मायने करती हैं। पहला तो आपका डिप्लोमा में परसेंटेज, डिप्लोमा में आपके मिनिमम 60% होने चाहिए। सेकेंड, ये जो एलपीयू एग्जामिनेशन है जिसको हम लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी नेशनल एलिजिबिलिटी एंड स्कॉलरशिप टेस्ट बोलते हैं, जो नेशनल लेवल पे कंडक्ट होता है, इसको भी क्वालिफाई करना आपके लिए मैंडेटरी है। दोनों चीजें जरूरी होनी चाहिए। तो एक तो एलक्यूनेस आपको एलिजिबल बनाता है उस प्रोग्राम में, अगर आप एडमिशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो एलिजिबिलिटी का पार्ट है। दूसरा, बिकॉज ये ज्यादातर कॉलेजेस में नहीं है, बाकी यूनिवर्सिटी में क्या है, आपकी डिप्लोमा की परसेंटेज के बेसिस पे डायरेक्ट एडमिशन है, बट इट इज नॉट विद द केस विद एलपीयू। तो एक तो एलिजिबिलिटी का पार्ट है, दूसरा इंपॉर्टेंट जो चीज है वो ये है कि आप जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज होते हैं, जैसे एलपीयू की फीस स्ट्रक्चर कंपेटिवली हाई होते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं एलपीयू में, अगर बीटेक की फीस 90,000 रुपीज पर सेमेस्टर है, तो ये एलपीयूनेस टेस्ट के बेस पे आपकी फीस को आपको एक स्कॉलरशिप मिलती है जो कि आपकी फीस के अमाउंट में से डिडक्ट हो जाती है और आपका फीस स्ट्रक्चर डिफरेंट हो जाता है। वो स्कॉलरशिप आपके रैंक के बेस पे डिपेंड करते हो, कितनी हो सकती है, 3 स्लैब होते हैं। एक होता है मिनिमम स्लैब होता है 30% का,